तो हेलो यार फ्रेंड्स, आज हम ग्लू बनाने वाले हैं, होममेड ग्लू गोन जिसे हम कहते हैं, वो भी सिर्फ कोलगेट की मदद से। क्योंकि जब भी हम कुछ क्राफ्ट बनाते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ करते हैं, तो उसमें ग्लू हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम कोई सा भी कोलगेट का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा कोलगेट को निकाल लेंगे। तो देखिए, मैं हल्का सा थोड़ा सा पहले कोलगेट को निकाल लेता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा इसमें कोलगेट को निकाल दिया। आपके कोई सा भी कोलगेट हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलगेट निकालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी को मिला देंगे। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि पानी ज़्यादा मत लीजिएगा, थोड़ा सा ही, एक चम्मच लगभग पानी लेके उसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो आप मिक्स करने वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा कि चम्मच को ज़्यादातर चलाते रहिएगा, वरना ये थोड़ा पतला नहीं बन पाएगा और ये ग्लू टाइप नहीं हो पाएगा। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स करते रहा और ये एक मिनट लगभग मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके का पतला हो गया था। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा आटा ले लेना है, जो हमारे घर में आटा होता है उसको हमें मिला देना है इसके अंदर। एक चम्मच लगभग आप आटा ले लेंगे और उसको इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से दोबारा चम्मच को घुमाते हुए उसे मिक्स कर लेना है। तो मैं फटाफट से मिक्स कर लेता हूँ। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको बता दूं कि अच्छे से जब आपका मिक्स हो जाए तब हम इसमें अच्छे से एक और चीज़ डालेंगे, वो है हमारा नमक। तो मैं नमक आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको डालना है। आपको थोड़ा सा नमक ले लेना है हाथ में, और मतलब दो उंगली जितना नमक, और उसको डाल लेना है। और डालने के बाद उसे मिक्स कर लेना है अच्छे को। तो अच्छे तरीके से चम्मच को अब हम दोबारा घुमाएंगे। देखिए, इसमें ग्लू का कलर भी हल्का हल्का आने लग गया और ग्लू जैसा भी तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ग्लू की जो खाली एमपीटी बोतल होती है, मतलब खाली बोतल, उसका इस्तेमाल करते हुए उस बोतल के अंदर उसको सारा भर लेंगे और फिर इसे टेस्ट करते हैं। तो मैं फटाफट से भर लेता हूँ, फिर टेस्ट करने चलते हैं। तो मैंने इसे भर दिया है। हम टेस्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर ही हम टेस्ट करेंगे। तो आइए टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने पेपर ले लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा ग्लू डाल दिया, और दूसरे पेपर को मैं इसमें आपको चिपका के दिखा देता हूँ किस तरीके से वर्क करा है। हो सकता है आपको लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से उतना क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन आप यकीन मानिए बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। देखिए पेपर कितनी अच्छी तरीके से चिपक गया है और ये निकल भी नहीं रहा था, आप ये बात यकीन मानिए। और बहुत ही अच्छी तरीके से घर में हमारा ग्लू बन के रेडी हो गया था। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसी घर चीज बनानी है तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।